नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर श्री सैनी अपने होम्यो सैनी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हनीमन का 2 जुलाई सन 1843 में इंतकाल हो गया था और उस तिथि को हम डॉक्टर हनीमन का निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं। मित्रों, डॉक्टर हनीमन का पूरा नाम क्रिश्चियन फ्राइडरी सैमुअल हनीमन था और उनके माताजी का नाम जोहना क्रिश्चियाना। मित्रों, उनके पिताजी का नाम क्रिश्चियन गॉड फ्राइड हनीमन। उनके पिताजी एक पोर्सिलिन फैक्ट्री में वर्कर थे, पेंटिंग का काम करते थे, पोर्सिलिन पेंटिंग का काम करते थे। आओ, इनका लालन पालन बड़े प्यार से इनके परिवार में हुआ और जब ये 12 साल के हो गए तो 20 जुलाई 1767 ईस्वी में इनका वहाँ के टाउन स्कूल में एडमिशन हुआ। वहाँ इन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया और 16 साल की उम्र में वहाँ के मैनेजाइन टाउन के स्कूल प्रिंस स्कूल में इनका दाखिला इनके पिताजी ने कराया। उस समय प्रिंस स्कूल के डायरेक्टर थे मुलर साहब। इनके पिताजी एडमिशन तो करा दिए लेकिन स्कूल का खर्च वहन करने में उनको दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ दिन बाद मूड बनाया, प्लान बनाया कि हम अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकालेंगे। और जब यह सूचना वहाँ के टीचरों की चली तो टीचरों ने, अध्यापकों ने यह इन्फॉर्मेशन मुलर साहब को दिया और मुलर साहब इस बच्चे से प्रभावित होकर के उनके बाकी के 8 साल की फीस माफ़ कर दिए और उनको अपने बच्चे की तरह से मानने लगे। और जब इनकी उम्र 20 साल हुई यानी 1775 ईस्वी में, तो ये हायर स्टडी के लिप्सिक गए। लिप्सिक इन्होंने हर प्रकार के लैंग्वेज का स्टडी किया और लिप्सिक से ये वेना गए। वेना में मेडिकल स्टडी के लिए गए और वेना में उस समय के माने जाने रिनाउंड फिजिशियन डॉक्टर वान क्यूरिन साहब थे। डॉक्टर हनीमन से प्रभावित होकर के मुलाकात के बाद उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया। डॉक्टर हनीमन जी अपनी एमडी की पढ़ाई अर्लिंगटन यूनिवर्सिटी से 1779 में पूरा किया और एमडी की पढ़ाई पूरा करने के बाद इन्होंने मूड बना प्रैक्टिस करने का। सबसे पहली प्रैक्टिस इन्होंने मांसफील्ड कंट्री के हॉट स्टेट प्लेस पर शुरू की। वो 1792 के बीच में, और समय बीतता गया, प्रैक्टिस चलती रही और पैसा इनकम आना शुरू हो गया। इसके बाद इन्होंने मूड बनाया शादी का और इन्होंने पहली शादी 17 नवंबर 1782 ईस्वी में कुचलर साहब की स्टेप डॉटर जोहाना लियो पांडिन के साथ किया। पहली शादी के समय डॉक्टर हनीमन जी की उम्र थी 27 साल और दुल्हन की उम्र थी 18 साल। शादी हो गई, उस समय बीता और उसके बाद जोहाना लियो पांडिन ने पहले बच्चे का जन्म दिया और पहले बच्चे का नाम था हेनरीटा। हेनरीटा के जन्म के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर हनीमन जी 11 बच्चों के फादर बने और समय बीतता गया। 1830 ईस्वी में 48 साल की शादी के बाद
पति पत्नी की जोड़ी बिछड़ जाती है और लियोपोल्डीन की इंतकाल हो जाता है। बच्चों के सर से माँ का साया उड़ जाता है। मित्रों, प्रैक्टिस चलती रही और 8 अक्टूबर 1843 ईस्वी में बहुत खूबसूरत महिला, फेमस रिच आर्टिस्ट पोर्ट्रेट M.M. डी हरवेली से डॉक्टर हनुमान जी की क्लिनिक पर मुलाकात होती है। वो स्किन डिजीज के कंसल्टिंग के लिए वहाँ जाती हैं और ट्रीटमेंट शुरू होता है। मित्रों, समय बीतता गया और दो सेकेंड मैरिज इनकी जो है, 1 जनवरी 1835 ईस्वी में डॉक्टर हनुमान जी के सेकेंड मैरिज M.M. डी हरवेली से हो जाती है। दूसरी शादी के समय डॉक्टर हनुमान की उम्र 80 साल और डीडी M.M. डी हरवेली की उम्र 35 साल। मित्रों, यह जोड़ी पति पत्नी की बहुत समय तक नहीं चल पाती है। यह जोड़ी मात्र 8 साल चलती है और 2 जुलाई 1843 ईस्वी को होम्योपैथिक का चमकता हुआ सूरज डूब जाता है और डॉक्टर हनुमान जी का इंतकाल हो जाता है। इसी के साथ जय हनुमान, जय होम्योपैथी। नमस्कार।